आचार संहिता लगने वाली सबको पता था ना, महीने भर पहले बुला लेते ये मीटिंग कर रहे थे, हम इनसे बहस कर रहे थे और ये मुद्दे बन रहे थे, इन लोगों को बिल्कुल वो लगा नहीं। चुनाव नवंबर का होने हैं, सबको ही पता है, क्यों नहीं इन्होंने मनाई? डेढ़ साल के बाद आज मीटिंग बुला रहे हैं, इनको बोर्ड चलाना नहीं है, इनके उसको पास करवा के हम लोगों को भी कानूनी दायरे में लाना चाहते हैं, पूरे बोर्ड को भ्रष्टाचार बनाना चाहते हैं। सारे वो एक भी पार्षद आज की तारीख में अंदर नहीं है, पार्षद अल्पसूचना से कम आए हैं, क्योंकि सिर्फ दो घंटे के लिए आज आपको ही पता है हिंदू धर्म के अनुसार बड़ा महीना चल रहा है, लोग बाग बाहर गए हुए, कम लोग आए, इसीलिए तो हमने निवेदन किया था कि आप पार्षदों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अगली बार बैठक बुलाए, लेकिन ये अपने रवैये पे अड़े हुए हैं, आप खुद ही नहीं कर्मचारी पर कार्रवाई करेंगे, इनको पता है ये स्वयं लिप्त है, इसलिए उनको भी बचा रहे हैं, क्योंकि उनको बचाएंगे तब ये बचेंगे, ये उनको नहीं बचा रहे हैं, स्वयं बचने के लिए ढोंग रच रहे हैं, और ये ढोंग अब जनता नहीं सहेगी, शास्त्रीय चर्चा करने के लिए तैयार है। इन्होंने सिर्फ दो घंटे की नोटिस में हम लोगों को मीटिंग के लिए बोला है, जबकि वैधानिक ये हमको 7 दिन पहले सूचना देते, तो हमको भी पता चलता, हम भी तैयारी करके आते कि क्या क्या बाड़मेर के अंदर विकास हुआ है, कहाँ कहाँ कमियां हुई है, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, हम उजागर करते। एक घंटे की नोटिस में हम क्या उजागर करें? इनलिए हमने मैंने सभापति महोदय से निवेदन किया, आज की बैठक बर्दाश्त करके अगली बैठक नियमानुसार आप रखें, हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन ये तानाशाहीपूर्ण रवैया ये अपने आप को क्या समझे है? जनता सब देख रही है, जब चुनाव आने वाले हैं जनता इनसे चुन चुन के बदले लेगी, ये मेरा आप कथन आज याद रखना है कि ये सभापति का जो आज रवैया रहा है बिल्कुल गैर जिम्मेदार रवैया। ये तो मीटिंग तो हो सकता है कि भाई आचार संहिता लगने वाली इसलिए अचानक की गई हो, लेकिन आपका क्या मुद्दा है जिसमें आपको वॉकआउट करना पड़ा? बिल्कुल ये सुनी नहीं रहे, इन्होंने कहा कि एम्पायर कमेटी के अंदर हमने जो मुद्दे पास किए वो आप सदन से पास करवा देते, उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया, ये तो ऐसी ऑफिस के अंदर इनकी जो भी एम्पायर कमेटी के अंदर जो भी निर्णय हुए हमको समय दिया जाए, उन्होंने क्या क्या निर्णय लिए हैं हम उसे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, गलत होंगे, इनको हटाना चाहिए। आप प्रतिपक्ष नेता है, केवल 2 पार्षद आपके बाहर आए हैं वॉकआउट में, बाकी के पार्षद विपक्ष जब उनके साथ ये कर रहा है बहस कर रहा है तो किसी न किसी मुद्दे के लिए कर रहा होगा ना, लेकिन वो सुनने को बिल्कुल इच्छुक नहीं है। नहीं, जैसे आप कानून की बात करते हैं, विधि समझ की बात करते हैं, तो ऐसा इस मीटिंग में अति आवश्यक कौन सा मुद्दा था जिस पर चर्चा की जानी थी? आप ये एजेंडा देख लो, हमें तो कोई लगा नहीं। आपको यदि ऐसा लग रहा है कि ये अति आवश्यक एजेंडा है तो हम लोग आज आप लोग सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे, और यदि आप लोगों को लगे कि इसमें कोई भी अति आवश्यक एजेंडा नहीं है, ऐसा क्या हो रहा था? केवल जो भ्रष्टाचार करना था ये कर चुके, अब उसकी लीपापोती करने के लिए एम्पायर कमेटी और बोर्ड के द्वारा ये अपने किए गए कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहते हैं, और सभी पार्षदों को उसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं जो न्यायोचित नहीं है। कल बाड़मेर में एसओजी आई थी, अब इन्होंने तो हमको सूचना देना भी उचित नहीं समझा, अब वो अंदर आई है अंदर कमरों में, उसने क्या मांगे क्या नहीं मांगे तो उनको पता है, इनको सार्वजनिक करना चाहिए ना। ये कहते हैं बाड़मेर में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कितने पट्टे पर इन्होंने FIR कराई, कितने पट्टे इन्होंने निरस्त किए, क्यों निरस्त किए? क्योंकि उन्होंने गलत बनाए थे, इसलिए वो पट्टे निरस्त करने पड़े उनको। हमने हमारा पूरा दबाव था, हमने 34 पेज का डोजियर SDM साहब जब बाड़मेर के आयुक्त पद पर थे हमने जांच के लिए दिया था, क्यों नहीं हुई उसके ऊपर जांच? ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर आप लाओ पन्ने, हम जांच करेंगे, हम दे चुके हैं, क्यों नहीं कर रहे? मैंने स्वयं ने सूचना मांगी है, 2 महीने हो गए इस वित्तीय संस्थान के अंदर कितने रुपए आए, कितने खर्च हुए, किस मद में हुए, कैसे हुए, किस तरीके से बिल पास हुए, हमारी सारी सूचना मेरी मांगी हुई है, लेकिन अभी तक ये सूचना ही नहीं दे रहे, क्योंकि पता है सूचना इन्होंने दी नहीं और अंदर ये गए नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन्होंने पट्टे निरस्त किए, लेकिन आज तक किसी भी कर्मचारी या पार्टी के खिलाफ आज तक या कार्रवाई नहीं हुई या FIR नहीं हुई, इस मुद्दे पर विपक्ष आखिर मौन क्यों है? बिल्कुल मौन नहीं है, समय समय पर चेते हैं, कलेक्टर साहब तक गए, कलेक्टर साहब तक हम लोगों ने दिए हैं और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। यदि ये किसी और अभी तो आने वाला चुनाव है, जनता को करारा जवाब देगी, और आप जनता के मन मस्तिष्क में भी ये बैठ गया है कि ऐसा भ्रष्ट बोर्ड बार बार नहीं चलेगा। सिंदरी रोड वाला क्या मामला है? सिंदरी रोड वाला जो एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लघु उद्योग भारती के लिए आरक्षित जमीन जो किसी भी सूरत में कमर्शियल कन्वर्ट नहीं हो सकती, मास्टर प्लान उसके अंदर भी वो लघु उद्योगों के लिए आरक्षित है, इन्होंने उनको कमर्शियल पट्टे दे दिए। हम जांच के लिए बोलते हैं तो जांच नहीं करते, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? 18 फुट की रोडे काट कर और जो 400 दुकानें बना रहा है, कल के दिन कोई छोटी मोटी भी घटना हो जाती है तो अग्निशमन यंत्र भी वहां तक नहीं पहुंचेगा। जो सेट बैग है नियमों में कहा उन्होंने सेट बैग छोड़ा, कभी गए उन पे कार्रवाई करने के लिए? नहीं जाएंगे, ये लगता है कि दब गए हैं, इसलिए वहां जाएंगे नहीं, सब बंदरबाट हो चुकी है,
हम लोगों ने खूब कह दिया है, इनकी मंशा होती तो आज हम लोगों के पार नहीं बैठना पड़ता, और बोर्ड यदि इनको सही तरीके से चलाना होता तो हमारी बात का जवाब देते। उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए एजेंडे पढ़ रहे थे और कांग्रेस की पार्षद थपथपा रहे थे। उनको पार्षदों को यह पता नहीं है कि बाड़मेर के शहर के साथ वो ये कुठाराघात कर रहे हैं ना, इसलिए जनता इनको जवाब देगी। जनता समझ चुकी है इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार का खुला तांडव इस बार इस बोर्ड के अंदर हुआ है, अब जनता जान चुकी है और जनता अब इनसे बदला लेने के लिए तत्पर है।